हम पिछली कक्षा में शक्ति के बारे में पढ़ रहे थे कि शक्ति की अवधारणा क्या है। तो हमने पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान में शक्ति जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है, शक्ति का राजनीति विज्ञान में केंद्रीय स्थान है। मैकियावेली, मैकाइवर, हॉब्स आदि विचारक, ऑस्टिन जैसे आधुनिक समय में, कैटलिन और मॉर्गेंथाउ आदि ऐसे विचारक हुए हैं जिन लोगों ने राजनीति विज्ञान में शक्ति को केंद्रीय स्थान दिया है। तो हमने पिछली कक्षा में शक्ति की अवधारणा के बारे में पढ़ा था कि शक्ति की अवधारणा का क्या अर्थ है, और शक्ति की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था कि शक्ति की क्या परिभाषाएं हैं। तो देखिए, शक्ति जो है वो बल प्रयोग की आवश्यकता मात्र है, जैसा कि हमने बायस्टेड की परिभाषा के अनुसार समझा था कि शक्ति बल प्रयोग की क्या है, आवश्यकता है। अर्थात शक्ति अपने नग्न स्वरूप में बल प्रयोग है, लेकिन जब वह सत्ता से युक्त होती है तो उसे वैधता मिल जाती है। तो इसलिए हमने शक्ति के लक्षणों के बारे में पढ़ा था कि शक्ति की प्रमुख विशेषताएं हम देख रहे थे। हमने पिछली कक्षा में शक्ति के प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था शक्ति क्या है, संबंध कारक होती है। तो देखिए, शक्ति संबंध कारक होती है, जैसे कि व्यक्ति समुदाय में रहता है और समुदाय में रहने के कारण समाज, कई तरह की संस्थाएं, उनमें वह अपनी भूमिका निभाता है। तो इसमें संबंध पाया जाता है कि व्यक्तियों के आपस के बीचों के आपस में क्या संबंध है, उस संबंध को जो है हम इसमें शक्ति में लेते हैं कि शक्ति जो है वो समूह और संस्थाओं के बारे में इसमें हम बात करते हैं। तो शक्ति की अवधारणा में निम्नलिखित, तो देखिए इस अवधारणा के अनुसार शक्ति की निम्न विशेषताएं, इस अवधारणा के अनुसार शक्ति की निम्न विशेषताएं हैं। हम पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं कि शक्ति संबंध कारक होती है। तो इस अवधारणा के अनुसार शक्ति की निम्न विशेषताएं हैं। तो देखिए, पहली है कि शक्ति की अवधारणा के लिए आवश्यक है कि शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति की अवधारणा के लिए आवश्यक है कि शक्ति का प्रयोग करने की आकांक्षा रखने वाले आवश्यक है कि शक्ति का प्रयोग शक्ति का प्रयोग करने की आकांक्षा रखने वाले दो जमा करता हूं। तो देखिए, हम इसमें बात करते कि शक्ति की आकांक्षा रखने वाले जो दो जमाकर्ताओं की बात हमने की कि शक्ति की अवधारणा के लिए आवश्यक है कि शक्ति का प्रयोग करने की आकांक्षा रखने वाले दो, इसमें क्या है, दो जमाकर्ता, दो कर्ता हूं, अर्थात दो कर्ता की बात इसमें की है कि एक जो है वो किस प्रकार शक्ति को किस प्रकार नियमित करेगा। इसलिए शक्ति के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि इसमें दो व्यक्ति होना बहुत ही जरूरी है। दो व्यक्ति अर्थात दो कर्ता होते हैं,
और दो कर्ता जो होते हैं वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से शक्ति के लिए आवश्यक है, कि शक्ति के लिए दो व्यक्तियों का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक जैसे कोई आदेश देने वाला है और दूसरा उस आदेश की पालना करने के लिए उसकी आवश्यकता की बात हम करते हैं, कि एक व्यक्ति आदेश दे और दूसरा उसके आदेशों की पालना करे। तो देखिए इसमें शासक और शासित की बात हम करते हैं, शासक और शासित। शासक और शासित, एक व्यक्ति तो क्या देता है, आदेश देता है, दूसरा उसके आदेशों की पालना करता है। तो इसलिए शासक और शासित दो व्यक्तियों का होना बहुत ही जरूरी है। और अगली हम देखते हैं इसमें विशेषता, अगली विशेषता यह है कि शक्ति की अवधारणा में दो पहलू होते हैं। तो देखिए इस पॉइंट से शक्ति की अवधारणा के दो पहलू हैं। प्रभु एवं अधीनस्थ, वही बात हो गई शासक और शासित की। प्रभु का मतलब मालिक और अधीनस्थ का मतलब उसके फॉलोअर्स जो उसके आदेशों का पालन करेंगे। स्वामी जो शक्ति से संपन्न है, शक्ति से संपन्न होने के कारण वो अपने आदेश अपने से नीचे उसके अधीनस्थ लोगों को देगा और वो उसके आदेशों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो जैसे कि हमने बात की कि शक्ति के लिए दो कर्ता की होने की बहुत ही महती आवश्यकता है, कि दो लोग हों, एक तो शक्ति से संपन्न हो और दूसरा उसकी शक्ति की पालना करने वाले हों। तो शासक और शासित की बात हमने की, फिर हमने प्रभु एवं अधीनस्थ की बात करी। अगली विशेषता है कि शक्ति सर्वोच्च नहीं होती, ये किसी ना किसी के अधीन होती है। तो देखिए अगली इसकी विशेषता है कि शक्ति सर्वोच्च नहीं होती, वह किसी ना किसी के अधीन होती है। तो देखिए शक्ति में दो कर्ताओं की आवश्यकता है, शासक और शासित। इसमें दो पहलू है, प्रभु एवं अधीनस्थ, एक आदेश देने वाला, एक आदेश की पालना करने वाला। उसी प्रकार से शक्ति जो है, प्रभु भी जो है वो भी सर्वोच्च नहीं होता, वो भी न किसी के अधीन होता है। जैसे कि हम हीगल की बात करें तो हीगल ने कहा है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का, राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। और हीगल ये कहता है कि राजा जो है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो राजा सर्वोच्च है लेकिन वो भी क्या है, ईश्वर के अधीन है, ईश्वर की सत्ता सर्वोच्च सत्ता है और उसकी सत्ता के अधीन राजा है। तो ये बात इससे सिद्ध होती है कि शक्ति सर्वोच्च नहीं होती, वह किसी न किसी रूप में अधीन होती है किसी न किसी के प्रति। तो हम ये कहते हैं कि शक्ति सर्वोच्च नहीं होती, वह किसी न किसी के अधीन जो होती है वो अवश्य होती है। अगला है, अगला पॉइंट शक्ति की दूसरी विशेषता है देखिए अन्य शक्तियों की आवश्यकता। दूसरी विशेषता है अन्य शक्तियों की आवश्यकता, अन्य शक्तियों की आवश्यकता।
तो देखिए शक्ति के अनेक रूप होते हैं, शक्ति के अनेक रूप होते हैं, जैसे धार्मिक शक्ति, जैसे धार्मिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति, विचार शक्ति, जनमत की शक्ति, आदि। तो देखिए शक्ति के अनेक रूप हैं, जैसे कि धार्मिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, सैनिक शक्ति, विचार शक्ति है, जनमत की शक्ति है। तो इस प्रकार शक्ति के विभिन्न रूप हैं और उन विभिन्न रूपों में हम इसके अलग अलग इसके प्रकार देखते हैं। जैसे कि धार्मिक शक्ति में हम धर्म से संबंधित शक्ति की बात करते हैं, आर्थिक शक्ति में हम अर्थ धन से संबंधित शक्ति की बात करते हैं, सैनिक शक्ति में हम सैन्य गठबंधन सैन्य शक्ति की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं, विचार शक्ति में हम विचार किस प्रकार से हमारे विचार बलवान हैं हम उसकी बात करते हैं कि हमारे विचारों में किस चीज की प्रधानता है, जनमत की शक्ति हम वोट बैंक की बात करते हैं जब, क्योंकि वर्तमान में आज उदार लोकतांत्रिक प्रणाली सभी देशों में पाई जाती है और उसमें वोट बैंक जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वोट बैंक के आधार पर ही सरकार निर्वाचित होती है। तो उसमें जनता के मत का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जनता अपने मत के द्वारा प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और सरकार को चुनती है। तो इस प्रकार से अन्य शक्तियों की आवश्यकता की बात हमने करी। अगला है वास्तविक शक्ति तथा संभावित शक्ति। देखिए वास्तविक शक्ति तथा संभावित शक्ति की हम बात करते हैं। वास्तविक शक्ति तथा संभावित शक्ति। तो देखिए वास्तविक शक्ति में स्वयं व्यक्ति जो होता है इसकी इकाई होता है और संभावित शक्ति में हम संभावना व्यक्त होती है उस शक्ति की बात करते हैं। तो वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति की हम बात हमने की है इस तरह से। अगली विशेषता है शक्ति औचित्य के गुण वाली होती है। शक्ति औचित्य के शक्ति औचित्य के गुण वाली होती है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि शक्ति सत्ता से युक्त होके उसे कानूनी सत्ता मिल जाती है, फिर वैधता से युक्त होने के कारण जनमानस पर उसका प्रभाव पड़ता है और लोग अपने हृदय से सत्ता का जो है उसका समर्थन करते हैं और अपने हृदय से सत्ता के कानूनों का पालन करते हैं। तो शक्ति जब सत्ता से युक्त हो जाती है और उसे वैधता मिल जाती है तो ऐसे में कोई भी शासक जो है वो लोगों के दिलों पर राज करता है और लोग उसे हमेशा जो है उसे याद रखते हैं, उस स्वर्णिम युग को हमेशा लोग हमेशा अपने स्मृति में उसे रखते हैं। तो देखिए शक्ति औचित्य के गुण वाली होती है जब शक्ति में
औचित्य नहीं होता तो वो केवल बल प्रयोग होती है। जैसा कि बायस्टेड ने कभी बोला था कि शक्ति केवल बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो शक्ति औचित्य के गुण वाली होती है। जब शक्ति में औचित्य होता है तो औचित्य होने के साथ होने के कारण वो सत्ता से युक्त हो जाती है, और जब शक्ति औचित्य से युक्त नहीं होती अर्थात जब शक्ति में औचित्य नहीं होता तो वो केवल बल प्रयोग होती है, उसे वैधता नहीं मिलती है। तो देखिए अगला है, शक्ति का निरंतर संचय जरूरी है। तो देखिए अगला पॉइंट है, शक्ति का निरंतर संचय क्या है जरूरी है। तो देखिए शक्ति एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब शासक शक्ति संपन्न होता है और अपनी शक्ति में निरंतर अभिवृद्धि करता है, उसको बढ़ाता है, लगातार उसको बढ़ाने का प्रयास करता है, तो ऐसे में जो शक्ति की निरंतरता जो है वो उसके वर्तमान अस्तित्व को क्या करती है, सुरक्षित रखती है, उसके वर्तमान अस्तित्व को बचाए रखती है। क्योंकि शक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है कि शक्ति में हमेशा निरंतर वृद्धि होती रहे, क्योंकि जब शक्ति में वृद्धि नहीं होगी तो शक्ति अपने आप ही कम होती चली जाएगी, और एक दिन जो शासक है वो धीरे धीरे शक्ति से बिल्कुल हीन हो जाएगा। इसलिए ये आवश्यक है कि शक्ति में निरंतर अभिवृद्धि हो, लगातार इसमें बढ़ोतरी हो, क्योंकि लगातार बढ़ोतरी होगी तभी शासक का जो वर्तमान है वह सुरक्षित रह पाएगा। क्योंकि शासन में प्रतिद्वंद्विता निरंतर बढ़ती रहती है, और शासन के लिए शासकों में निरंतर युद्ध रहता है, निरंतर संघर्ष जारी रहता है, इसलिए उनमें निरंतर संघर्ष व्याप्त रहता है, इसलिए कभी भी शासक के हाथ से सत्ता जो होती है वो जा सकती है। इसलिए जो अपनी शक्ति को बढ़ाएगा तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के कारण वो अपने पद की सुरक्षा कर पाएगा, अपने वर्तमान को बचा पाएगा। तो देखिए इसलिए शक्ति का निरंतर संचय जरूरी है। तो देखिए इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि शक्ति की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर हम यह कहते हैं कि शक्ति जो है वह शासन में केंद्रीय भूमिका अदा करती है, और शासन में इसका केंद्रीय स्थान है। इसके अभाव में, शक्ति के अभाव में जो है वो शासन नहीं चल सकता, क्योंकि जब तक शासन में शक्ति नहीं होगी तो उसका प्रभाव बिल्कुल हीन हो जाएगा, और राज्य क्योंकि सर्वोच्च संस्था है इसलिए वो शक्ति से युक्त है, और इसी कारण लोग इसके कानूनों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो इसलिए शक्ति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए हम देखते हैं अगला कि शक्ति व राजनीति का संबंध, शक्ति व राजनीति का संबंध की बात हम करते हैं। आधुनिक संदर्भ में शक्ति व राजनीति का क्या संबंध है? तो देखिए
देखिए आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में शक्ति व्यय राजनीति का संबंध, आधुनिक संदर्भ में शक्ति व राजनीति का संबंध। तो देखिए प्राचीन समय में मैकियावेली, हॉब्स, मैकाइवर इन विचारकों ने राजनीति विज्ञान में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान माना है और ये माना है कि राजनीति में शक्ति की केंद्रीय भूमिका है और इसके अभाव में राज्य राजनीति की हम संकल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए प्राचीन चिंतकों में मनु कौटिल्य में भी हमने देखा कि किस प्रकार से राज्य के लिए दंड शक्ति की बात उन्होंने बताई अपने साहित्य में। मनु ने मनुस्मृति में, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दंड शक्ति की बात की कि दंड शक्ति राज्य का अनिवार्य तत्व है और दंड शक्ति के अभाव में हम राज्य नाम की संकल्पना भी नहीं ले सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते राज्य की। फिर आगे जो विचारक हैं लासवेल, कैटलिन, आधुनिक संदर्भ में लासवेल, कैटलिन, कैटलिन, लासवेल, कैटलिन, कैटलिन आदि विचारकों ने आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में शक्ति का राजनीति में, शक्ति का राजनीति में केंद्रीय स्थान माना है। तो देखिए प्राचीन विचारकों में मनु कौटिल्य ने राजनीति में शक्ति की केंद्रीय स्थापना की बात की, मैकियावेली ने की और आधुनिक संदर्भ में कैटलिन, लासवेल, मार्गेंथाउ इन विचारकों ने राजनीति में शक्ति की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार किया और ये माना कि जो राजनीति विज्ञान है वो शक्ति की अवधारणा से ही संचालित होता है और शक्ति की अवधारणा के बिना हम राजनीति की संकल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आधुनिक संदर्भ में शक्ति का केंद्रीय स्थान है और कैटलिन ने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। जैसे कि मॉर्गेंथाउ ने भी कहा है कि राजनीति हमेशा जो है शक्ति के लिए हित संघर्ष है, अर्थात राजनीति विज्ञान में हमेशा शक्ति के लिए संघर्ष होता रहता है। जैसे कि हम इतिहास में देखें, इतिहास के पन्नों पर किस प्रकार से राजाओं में जो है एक दूसरे की सत्ता को प्राप्त करने के लिए और अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ाने के लिए किस प्रकार से युद्ध निरंतर होते रहे हैं, हम इतिहास में देखते हैं। वो क्या है, शक्ति का संचय करने के लिए युद्ध होते थे और एक शासक दूसरे शासक पर जो है आक्रमण करता था ताकि वो उसके राज्य को हड़प सके। तो शक्ति को बढ़ाने के लिए, शक्ति का संचय करने के लिए हमेशा निरंतर युद्ध होते रहे हैं इतिहास में। तो इसलिए मार्गेंथाउ ने भी ये कहा है कि राजनीति में हमेशा शक्ति के लिए संघर्ष होते हैं और हमेशा एक शासक दूसरे शासक पर, दूसरे शासक को अधीन करने के लिए क्या करता है, आक्रमण करता है। तो देखिए इस प्रकार राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति के लिए संघर्ष है और इसमें हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो ये किसके लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए आधुनिक संदर्भ में हम राजनीति विज्ञान में शक्ति को केंद्रीय स्थान मानते हैं
और ये कहते हैं कि राजनीति में शक्ति की जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात राजनीति विज्ञान में शक्ति की केंद्रीय भूमिका है। तो देखिए, इस प्रकार हमने आधुनिक संदर्भ में शक्ति व राजनीति का संबंध देखा। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार जो है शक्ति का प्रयोग तथा इसकी सीमाएं। तो देखिए, शक्ति का प्रयोग तथा इसकी सीमाएं की बात हम करते हैं। देखिए, शक्ति का प्रयोग तथा इसकी सीमा, तो देखिए शक्ति का प्रयोग तथा इसकी सीमाएं की जब हम बात करें तो हम देखते हैं कि शक्ति का प्रयोग दंड, पुरस्कार, आर्थिक लाभ के रूप में प्रकट होता है, लेकिन जब शक्ति को प्राप्त करने के लिए जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, विपरीत होती हैं, तो इसमें हमें असफलता भी प्राप्त होती है। किस प्रकार से? जब शक्ति का प्रयोग किया गया और परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, विपरीत नहीं है, तो जो शासक है उसे असफलता भी क्या करनी पड़ती है? स्वीकार करनी पड़ती है। इसलिए शक्ति का प्रयोग जो है वो बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, अपने समय की अनुकूलता को ध्यान में रखना कर करना चाहिए कि किस प्रकार से समय जो अपने पक्ष का बना हुआ है तभी शक्ति का प्रयोग जो है शासक को करना चाहिए, नहीं तो शासक को असफलता भी मिलती है और उसे करारी हार झेलनी पड़ती है। तो इसकी सीमाएं की हम बात करें, इसकी सीमाएं किस प्रकार से है, तो देखिए शक्ति का जो है वो निरंकुश जो है वह निरंकुश इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखिए, इसकी सीमाएं की बात हम करते हैं। सीमाएं, शक्ति का निरंकुश, शक्ति का निरंकुश प्रयोग नहीं किया जा सकता। शक्ति का निरंकुश प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस पर हमेशा अनेक मर्यादाएं, अंकुश और सीमाएं लगे रहते हैं। नहीं किया जा सकता क्योंकि इस पर सदैव सीमाएं, इस पर सदैव सीमाएं या प्रतिबंध लगे रहते हैं। तो देखिए, शक्ति का हम निरंकुश प्रयोग नहीं कर सकते। यदि शासक अपनी स्वेच्छाचारी करता है, अपनी मनमानी करता है, और मनमानी तरीके से वो क्या करता है, शासन करता है और प्रजा पर मनमाने कर आरोपित करता है, प्रजा पर मनमाने कानून लगाता है, प्रजा पर मनमाने तरीके से अपनी धार्मिक मान्यताएं, नैतिक मूल्य विश्वास, परंपराएं थोपता है, तो ये भी गलत है क्योंकि
जो शासित वर्ग है, जो प्रजा है, वो कब तक ऐसे अत्याचारों को सहन करेगी? तो उस पर सीमाएं और मर्यादाएं आरोपित होती हैं कि शासक वर्ग को निरंकुश रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसे प्रजा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, प्रजा की रक्षा के बारे में सोचना चाहिए, प्रजा की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, किस प्रकार से वो प्रजा के जन कल्याणकारी कार्य करें, ताकि प्रजा के कल्याण करने से इन कल्याणकारी कार्यों के द्वारा वो प्रजा के मन में जो है अपनी जगह बनाए, जिससे वो लंबे समय तक शासन करें। इसलिए शासन पर निरंकुश शक्तियों का प्रयोग उसे नहीं करना चाहिए, उस पर सदैव सीमाएं और प्रतिबंध जो है शासन पर लगानी चाहिए, क्योंकि यदि शासक निरंकुश शक्ति का प्रयोग करते हुए शासन करेगा तो जनता के मन से वो धीरे धीरे उतर जाएगा और जनता क्या करेगी, विद्रोह करेगी। जैसे कि शासन में हम देखते हैं कि किसी राजा ने मनमानी कर लगाए और धार्मिक प्रतिबंध लगा दिए कि लोगों को जो है अपना धर्म मानने के लिए कई तरह का उसने क्या किया, उन्हें बाध्य किया कि वो अपने धर्म को मानने के लिए उन्हें इस तरह का कर देना पड़ेगा, या दूसरे धर्म को मानना पड़ेगा, या जबरन धर्म को चेंज करवाना, धर्म परिवर्तन करवाना, ये सब कार्य राजा ने किए अपने मनमानी तरीके से, स्वेच्छाचारी तरीके से। तो आने वाले दिनों में जनता क्या करेगी, विद्रोह करेगी और शासन का क्या हो जाएगा, तख्त पलट हो जाएगा। तो इसलिए शासन पर सदैव सीमाएं प्रतिबंध होने चाहिए। दूसरा देखिए, शासन पर इतिहास, परंपराएं, नैतिक मूल्य, आदर्श, विश्वास आदि के द्वारा सीमाएं लगानी चाहिए और शासन को नियंत्रित व मर्यादित करना चाहिए। तो देखिए, शासन पर ऐतिहासिक परंपराएं और विश्वास, मूल्य, मान्यताएं आदि के द्वारा जो है प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे कि शासन जो है निरंकुश नहीं हो सके। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत की शक्ति, जनमत का जो है वो दबाव बनाया जाता है शासन पर, कि उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत की शक्ति महत्वपूर्ण होती है। मैं उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं कि किस प्रकार से इतिहास, परंपराएं, नैतिक मूल्य, आदर्श, विश्वास, धर्म आदि के द्वारा शासन पर सीमाएं लगानी चाहिए, ताकि शासन निरंकुश न हो सके, शासन नियंत्रित और मर्यादित बन सके। उदाहरण के लिए, उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनमत की शक्ति जो होती है महत्वपूर्ण होती है, और जनमत की शक्ति के द्वारा हम शासन पर मर्यादाएं आरोपित करते हैं। यदि शासन जनमत की शक्ति पर खरा नहीं उतरता, जनमत के द्वारा शासन सरकार बनाता है, सरकार निर्वाचित होती है, और यदि वो जनमत को ध्यान में रखकर अपनी मनमानी करती है, तो अगले आने वाले चुनाव में
जो है सरकार का तख्ता पलट हो जाता है और दूसरी नई निर्वाचित सरकार स्थापित होती है। तो इस प्रकार से शासन में जो है वो शासन में इस प्रकार मर्यादाएं स्थापित करनी चाहिए ताकि शासन जो है वो निरंकुश न हो और शासन सीमित और मर्यादित रूप से कार्य करें।